हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एम एस वर्ल्ड टू का स्पेशल लेक्चर पढ़ाने जा रहा हूं आई मैं ट्राई करूंगा कि दो से तीन लेक्चर्स के अंदर पूरे वर्ल्ड को कंप्लीट करवा दिया जाए ये लेक्चर्स उन तमाम लोगों के लिए है जो वर्ड को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहते हैं और जिन्होंने कभी वर्ड ओपन नहीं किया और वर्ड में वो काम करना सीखना चाहते हैं तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बसानी पहुँच सके स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ड को ओपन करने के बारे में कि वर्ड को ओपन कैसे करना है अगर आपके पास कंप्यूटर वर्ड इंस्टॉल है तो इसको ओपन करने के कई तरीका कार तो सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे टास्क बार की तरफ कि टास्क बार पे अगर आपको ये आइकन नज़र आ रहा है वर्ड का तो यहाँ पे क्लिक करके भी आप इसको ओपन कर सकते हैं अगर टास्क बार पे नहीं है तो की बोर्ड से आपने विंडो का बटन प्रेस करना है जिस पर फ्लैग बना हुआ है आप उसको जैसे प्रेस करेंगे या अगर यहाँ पर आपके पास ये विंडो का बटन यहाँ पर भी बना हुआ है जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तब भी स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी और आपने सर्च पे क्लिक करके यहाँ पे टाइप करना है विन वर्ड डब्ल्यू आई एन डब्ल्यू आर डी विन वर्ड जैसे हम वर्ड टाइप करेंगे तो वर्ड आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वर्ड ओपन हो जाएगा अगर यहां से भी ओपन नहीं हो रहा तो आपने कीबोर्ड से विंडो और आर का बटन प्रेस करना है तो आपके सामने रन का बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहां पे आप टाइप करेंगे विन वर्ड और जैसे हम एंट्री प्रेस करेंगे या ओके क्लिक करेंगे तो वर्ड आपके पास ओपन हो जाएगा तो जब भी आप वर्ड ओपन करेंगे 2016 तो आपके पास इस तरह से एक स्क्रीन अपेयर होगी तो आपने यहाँ पे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे फ़िलहाल क्लिक करते हैं तो आपको ये पूरी विंडो यहाँ पे नज़र आएगी इस तरह से तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूज़र इंटरफेस के बारे में कि यूज़र इंटरफेस में क्या कुछ होता है और यूज़र इंटरफेस है क्या चीज़ वर्ड के किस हिस्से को क्या नाम दिया गया है ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं यूज़र इंटरफेस पर तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले इन बटनस के बारे में इन्हें कहते हैं कंट्रोल बटन्स और इसमें देखिए आपके पास मिनिमाइज़ है रिस्टोर है और क्लोज़ का बटन है और उसके साथ ये हमारे पास यहाँ पे रिबन की सेटिंग है कि रिबन को आप यहाँ पे ऑटो हाइड पे लगाना चाहते हैं शो टैप करवाना चाहते हैं या शो टैब एंड कमांड्स यानी कि आप तमाम कमांड तमाम टैब को शो करवाना चाहते हैं तो आप इन कमांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं ये ऑटो हाइड हो गया और यहाँ पे क्लिक करके आप इसे शो टैब करवा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप शो टैब्स आल कमांड्स करवा सकते हैं उसके बाद ये हमारे पास जो ब्लू कलर की आपको नज़र आ रही है इसे हम कहते हैं टाइटल बार जहाँ पे आपको फ़ाइल का नेम और प्रोग्राम का नेम नज़र आता है जितनी फाइल्स आपकी सेव होती हैं उसका नेम आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि ये फ़ाइल फला नाम से सेव है और फ़ला प्रोग्राम में सेव की गई है उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में या बस क्विक एक्सेस टूल बार है ऐसी तमाम कमांड जो ज़्यादातर आपके यूज़ में रहती हैं वो कमांड आप यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं उनका यूज़ भी यहाँ पर कर सकते हैं क्लिक करके आप इनको जितनी चाहे कमांड यहाँ पर ऐड कर लें उसके बाद इसे हम कहते हैं फाइल बटन के जैसे हम फाइल बटन पे क्लिक करेंगे तो फाइल से रेलिवेंट जितनी भी कमांड्स है वो सारी आपको यहां पे नज़र आएंगी फिर इसके बाद नेक्स्ट कमांड में हम पढ़ेंगे इसमें टैब्स के बारे में कि ये सारे टैब्स हैं जैसे होम टैब इन्जट टैब डिज़ाइन टैब लेआउट टैब रेफरेंस टैब मेलिंग टेप रिव्यू एंड व्यू टैब्स ये सारे टैब्स हैं जब भी किसी भी टैब पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने उसका एक रिबन ओपन हो जाता है जैसे कि पूरी पट्टी आपको नज़र आ रही है ये रिबन कहलाती है और रिबन के अंदर क्या होते हैं हमारे पास यहाँ पे ये छोटे छुट छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये क्लिप बोर्ड का ग्रुप है ये फाउंड का ग्रुप है ये पैराग्राफ का ग्रुप है ये स्टाइल का ग्रुप है और ये एडिटिंग का ग्रुप है इस तरह से हर ग्रुप के अंदर उससे रेलवेंट कमांड्स इसके अंदर एड की गई हैं जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कट कॉपी फॉर्मेट पेस्ट या पेस्ट स्पेशल है तो वो यहाँ पे क्लिप बोर्ड के ग्रुप में है फाउंड की कमांड फाउंड के ग्रुप में है पैराग्राफ की कमांड पैराग्राफ के ग्रुप्स में है फिर उसके बाद ये हमारे पास है रूलर्स जहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी तैयारी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ जाकर ख़त्म होगी और इसे कहते हैं वर्क एरिया जहाँ पे हमने काम करना है और इसे कहते हैं स्क्रोल बार जिसके जरिए हम पेज को अप डाउन करते हैं और फिर उसके बाद इसे कहते हैं स्टेटस बार जहाँ पे आपको पेज नंबर और उसके अलावा वर्ड्स उसके अलावा लैंग्वेज कौन सी लिखी जा रही है आपके पास लेआउट कौन सा यहाँ पे सेट है और उसके बाद ज़ूम कितना है ये सब कुछ आप यहाँ पे स्टेटस बार पे जान सकते हैं तो स्टार्ट करते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर कि हमने यहाँ पे न्यू फ़ाइल कैसे बनानी है फाइल को सेव कैसे करना है फ़ाइल को क्लोज़ कैसे करते हैं फ़ाइल्स को ओपन कैसे करना है ये सभी हम कमांड्स पढ़ने वाले हैं तो आपने फ़ाइल पे आना है फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद हमने न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है कोई भी असाइनमेंट कोई भी काम शुरू करने के लिए अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक फ़ाइल मिल जाएगी उसके बाद यहाँ पे पेज के ऊपर आप कुछ भी राइट करें जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और हमारा जो कोर्स है उसका नाम है ऑफिस मैनेजमेंट और जिसमें हम पढ़ रहे हैं एम एस के बारे में एम एस 2016 टू अब इतना डाटा टाइप करने के बाद हम पढ़ने वाले हैं कि इसको हमने सेव कैसे करना है कि अगर यहाँ पे लाइट चली जाए या कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो आपके डाटा सारा ज़ाया हो जाएगा तो हम चाहते हैं कि अगर लाइट चली जाए या कंप्यूटर ऑफ हो जाए तो ये डाटा हमारा ज़ाया ना हो ये फाइल सेव रहे और फाइल जब भी दोबारा ओपन करें तो ये डाटा जैसे वैसे का वैसा रहे तो इसके लिए हम फाइल को सेव करेंगे आपने फ़ाइल पर आना है और सेव पर क्लिक करना है सेव पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने सेवा है इसका ये बॉक्स ओपन होगा आपने दिस पी यानी माई कंप्यूटर में आप सेव करना चाहते हैं या फिर आप ब्राउज फीचर पर क्लिक करके आप उस ड्राइव में चले जाएं जिस ड्राइव में डाटा आप सेव करना चाहते हैं बेहतर यही है कि आप फाइल को हमेशा सी के अलावा किसी और ड्राइव में सेव करें क्योंकि सी ड्राइव में आपकी विंडो होती है और जब भी विंडो क्रैप्ट होगी तो आपकी सी ड्राइव में पड़ा हुआ डाटा सारा ज़ाया हो जाएगा यानी ये फाइल भी आपकी ज़ाया हो सकती है तो फाइल को कभी भी आपने सी ड्राइव में सेव नहीं करना बल्कि वहाँ पर सेव करना है जहाँ पर आपकी विंडो इंस्टॉल नहीं है जिस ड्राइव में यानी सी के अलावा डी है ई e है एफ है जो भी है उस ड्राइव में आप सेव करें जैसे मैं ई e ड्राइव में सेव कर रहा हूँ और यहाँ पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं तो आपने न्यू फोल्डर पे क्लिक करना है न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने फोल्डर को नेम देना है जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे एम एस वर्ल्ड और फोल्डर को यहाँ पर एंटर प्रेस करके आपने या फिर डबल क्लिक करके आप इसको ओपन करें और यहाँ पर फाइल को नेम दे दें दे। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया फ़र्स्ट लेक्चर और जैसे हम सेव पर क्लिक करेंगे तो फ़ाइल आपकी सेव हो जाएगी अब जैसे ही फाइल आपकी सेव होगी तो फाइल ऊपर टाइटल बार पे आपको नजर आएगी कि फ़ाइल इस नाम से सेव हो चुकी है और इस प्रोग्राम में सेव है उसके बाद अगर आप फाइल को क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप फ़ाइल पे क्लिक करें और क्लोज़ पे क्लिक करें तो जैसे हम क्लोज़ पे क्लिक करेंगे तो फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी अब इसी फाइल को ओपन करने के लिए हमने क्या करना है कि हम फाइल पर आएंगे और उसके बाद आपने ओपन पे क्लिक करना है और यहाँ पर ब्राउज़ पर क्लिक करेंगे और उसके अलावा देखिए यहाँ पे टू डे में देखिए आपको नजर आ रहा है कि जो फाइल लास्ट में सेव होगी उसका रिकॉर्ड यहाँ पे आपको नजर आएगा जै हम यहाँ पे क्लिक करके भी फाइल को ओपन कर सकते हैं और ब्राउज़ पे क्लिक करके हम उस ड्राइव में जाकर भी फाइल को ओपन कर सकते हैं जिस तरह ड्राइव का नेम था ई e ड्राइव और फोल्डर का नाम था एम एस वर्ड और फाइल का नेम था फर्स्ट लेक्चर और उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं अब उसके बाद जैसे हम यहाँ पे फाइल डाटा का डाटा टाइप करना शुरू करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा न्यू सेव क्लोज ओपन एंड सेव एज़ तो अब हम जैसे ही कंट्रोल एक्सप्रेस करेंगे या फाइल पे क्लिक करके हम सेव करेंगे तो ये फ़ाइल भी उसी फाइल में सेव हो जाएगी यानी आपको दोबारा से नाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी फिर इसके बाद हम फाइल पे आते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट कमांड सेव एज़ के बारे में कि फ़ाइल को सेव एज़ क्यों करना है अगर आपके पास एक फाइल पहले से बनी हुई है वो कोई एप्लीकेशन है लेटर है सीवी है बिल चार्ट टेबल फॉर्म कुछ भी है जो आपने पहले से डिज़ाइन किया हुआ है आप चाहते हैं ये फ़ाइल आपकी इस नाम से भी सेव रहे और इस फाइल की आप एक कॉपी अलग से बनाकर भी सेव करना चाहते हैं यानी एक फ़ाइल आपके नाम से सेव करना चाहते हैं एक फ़ाइल आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं और डाटा वही रहे और इसकी कॉपी बनाने के लिए आपने फाइल पे आना है और सेव एज पे क्लिक करना है याद रखिएगा जब भी हम न्यू फाइल बनाते हैं तो हम फाइल को सेव करते हैं जब किसी सेव फाइल की कॉपी बनाते हैं तो उसके लिए हम सेव एज करते हैं आप सेव एज पे क्लिक करें ब्राउज पे क्लिक करें देखिए पहली फाइल हमारे पास फर्स्ट लेक्चर के नाम से सेव है और दूसरी फ़ाइल यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड लेक्चर कर लेते हैं और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो फाइल आपकी सेकेंड लेक्चर के नाम से सेव हो जाएगी अब इसमें आप जो भी चेंजिंग करेंगे वो सेकेंड लेक्चर में आपकी चेंजिंग होगी जो आपकी फ़र्स्ट फाइल थी उसमें वो चेंजिंग नहीं होगी इस तरह से हम फाइल की डुप्लीकेट भी क्रिएट कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं कि देखें जैसे हम फाइल को क्लोज करते हैं तो फाइल क्लोज हो जाती है और फाइल पे क्लिक करते हैं ओपन पे क्लिक करते हैं ब्राउज़ पे भी, भी क्लिक करके ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं तो आप देखें इजीली कोई भी आकर इस फाइल को यहाँ से ऐसे इस तरह से ओपन कर सकता है और इसमें चेंजिंग भी कर सकता है तो आप चाहते हैं कि फ़ाइल पे सिक्योरिटी अप्लाई कर दें ताकि कोई भी आकर हमारी फ़ाइल को इस तरह से ओपन ना कर सके इस पर हम पासवर्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो पासवर्ड अप्लाई करने के लिए भी आपने फ़ाइल पे आना है और फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद आपने सेव एज पे आना है किसी और नाम से सेव करने के लिए भी सेव एज पे आएंगे और पासवर्ड अप्लाई करने के लिए भी सेव एज पे आना है तो आपने ब्राउज पे क्लिक करना है ब्राउज पे क्लिक करने के बाद फ़ाइल का नेम चेंज नहीं करेंगे नाम यही रखना है आपने पासवर्ड अप्लाई करने के लिए और उसके बाद तो आप टूल्स पे आएंगे टूल्स पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है इसमें जनरल ऑप्शन पे और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड टाइप करते हैं जैसा पासवर्ड वन टू थ्री और फिर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं वन टू थ्री एंड ओके पे क्लिक करते हैं और ये इंट्री पासवर्ड वन टू थ्री एंड ओके और उसके बाद वन टू थ्री एंड ओके और उसके बाद आपने पासवर्ड अप्लाई करने के बाद इसको सेव करना है फ़ाइल सेव हो गई यानी पासवर्ड सेव हो गया अब इस फ़ाइल को हम यहाँ से क्लोज़ करते हैं अब देखिए फ़ाइल जो हमारे पास थी उस फाइल का नेम था सेकंड लेक्चर इस पर हम पासवर्ड अप्लाई कर चुके हैं और इसको सेव भी कर चुके हैं अब इस फ़ाइल को हम यहाँ से क्लोज़ करके दोबारा ओपन करेंगे ताकि हम चेक कर सकें कि आया कि पासवर्ड अप्लाई भी हुआ है कि नहीं तो इसके लिए फ़ाइल पे आना है आपने फ़ाइल पे आने के बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे सेकंड लेक्चर पे तो आप देखेंगे फाइल बिना पासवर्ड के ओपन नहीं हो रही एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल तो पासवर्ड हमारे पास वन टू थ्री था मैं जानबूझ के यहाँ पासवर्ड कोई और टाइप करूँ जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मैंने रॉन्ग पासवर्ड टाइप किया है देखें फाइल ओपन होती है कि नहीं होती अब जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो द पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट वर्ड कैन नॉट ओपन द डॉक्यूमेंट पासवर्ड दुरुस्त नहीं है तो दुरुस्त पासवर्ड टाइप करने पे ही फाइल ओपन होगी वरना फ़ाइल ओपन नहीं होगी आपने फाइल पे आना है फाइल पे क्लिक करने के बाद सेकंड लेक्चर पे आते हैं पासवर्ड वन टू थ्री और एंटर प्रेस करते हैं वन टू थ्री और एंटर प्रेस करते हैं फ़ाइल ओपन हो जाएगी अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं या पासवर्ड को रिमूव करना चाहते हैं तो इस तरह से आपने फ़ाइल को पासवर्ड लगाकर पहले ओपन करना है फिर आप फाइल पे आएंगे और दोबारा आपने सेव एज पे आना है और हम क्लिक करेंगे यहाँ पे ब्राउज पे और नाम नहीं चेंज करेंगे फिर हम टूल्स पे आएंगे और दोबारा जनरल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप बैक स्पेस की मदद से पासवर्ड को रिमूव भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पे न्यू पासवर्ड भी ऐड कर सकते हैं तो याद रखिएगा पासवर्ड चेंज करने के बाद पासवर्ड अप्लाई करने के बाद या पासवर्ड को रिमूव करने के बाद फ़ाइल को सेव लाजमन करें ताकि की गई तब्दीलियाँ सेव हो जाएँ आप फ़ाइल पर आते हैं क्लोज़ पे क्लिक करते हैं क्लोज़ पे क्लिक करने के बाद आप इसको जैसे दोबारा ओपन करेंगे तो बिना पासवर्ड के आपकी फ़ाइल ओपन हो जाएगी तो इस तरह से आप फाइल पे सिक्योरिटी भी अप्लाई कर सकते हैं आगे नेक्स्ट क्वार हम पढ़ने वाले हैं इसमें प्रिंट के बारे में कि फाइल्स को आपने प्रिंट कैसे करना है तो फाइल को प्रिंट करने के लिए आपने फाइल पे क्लिक करना है जैसे कि हमारे पास यहाँ पे फाइल बटन आपको नज़र आ रहा है और उसके बाद हम यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे की बोर्ड से आप कंट्रोल पी का बटन भी प्रेस कर सकते हैं और प्रिंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से प्रिंट का एक बॉक्स ओपन होगा इसमें दो आपको पार्ट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें एक पार्ट्स हमें यहाँ पे ये यह दिखा रहा है प्रिंट प्रीव्यू कि यहाँ पे आप इस फाइल का प्रिंट प्रीव्यू देख रहे हैं कि आपका पेज प्रिंट होने के बाद ऐसा प्रिंट होगा और सेकंड ऑप्शन में हमारे पास यहाँ पे सारी सेटिंग्स हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से पेज को प्रिंट किस तरह से करवा सकते हैं जैसे मैं इस पेज की अगर तीन कॉपीज़ चाहिए तो यहाँ पर हम तीन कॉपीज़ यहाँ पर दर्ज करेंगे जैसे मैंने तीन कॉपीज़ यहाँ पर दर्ज कर और जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो इस पेज की तीन कॉपीज़ प्रिंट हो जाएंगी और उसके अलावा अगर आपने कोई प्रिंटर यहाँ पे एक से ज़्यादा प्रिंटर आपने अटैच किए हुए हैं और जिस प्रिंटर से आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से वो प्रिंटर आप सेलेक्ट करेंगे उस प्रिंट का नेम यहाँ पर नजर आएगा जैसे आपके पास एच का प्रिंटर है कैनन का है सैमसंग का है डॉट मैटिक्स है लेजर जैट है कोई भी प्रिंटर है जो प्रिंटर जिस प्रिंटर से आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंटर आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे उसके अब प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ओपन फाइल में जितने भी पेज आपने बनाए होंगे जैसे कि अभी हमने एक पेज बनाया हुआ है नीचे आपको नजर आ रहा है तो प्रिंट ऑल पेज पे क्लिक करने से क्या होगा सारे पेज प्रिंट होंगे चाहे अभी दस पेज यहाँ पे बने होते तो दस के दस प्रिंट हो जाने थे और हर दस और तमाम पेज की तीन तीन कॉपीज़ ही प्रिंट होनी थी अगर आप प्रिंट करंट पेज पे क्लिक करेंगे तो सिर्फ आपका एक्टिव पेज प्रिंट होगा जो आपको दिख रहा है जो आपको नज़र आ रहा है इसके अलावा कोई दूसरा पेज आपका प्रिंट नहीं होगा और उसके बाद अगर आप कस्टम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपने पेजेस की तादाद दर्ज करनी है कि कौन कौन से पेजेस को आप प्रिंट करना चाहते हैं फर्स्ट कीजिए आपके पास दस पेज हैं और आप चाहते हैं कि पेज नंबर एक और दो ना प्रिंट हो बल्कि पेज नंबर तीन प्रिंट होना चाहिए फिर इसके बाद आपने यहाँ कॉमा देना है फिर आप कहते हैं है चार पाँच नहीं बल्कि पेज नंबर छः प्रिंट होना चाहिए फिर यहाँ पर कॉमा देंगे फिर आप कहते हैं कि सात आठ नौ नहीं बल्कि पेज नंबर दस प्रिंट होना चाहिए और उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि दस से लेकर आगे बीस तक सारे पेज कंटिन्यूसली प्रिंट हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे डैश ये माइनस का साइन आप देंगे और उसके बाद आगे ट्वेंटी दर्ज करेंगे तो पहले पेज नंबर तीन प्रिंट होगा फिर छः होगा फिर दस होगा और उसके बाद ग्यारह बारह और फिर बीस तक ये लगातार प्रिंट होते रहेंगे इस तरह से अपनी मर्जी से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं प्रिंट वन साइड पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसकी एक ही साइड प्रिंट होगी अगर आप प्रिंट ऑन बोथ साइड पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर वन और उसकी बैक पे पेज नंबर टू प्रिंट होगा इस तरह से भी आप पेजेस को प्रिंट करवा सकते हैं क्वालिटेड पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इसमें दो कमांड्स हैं क्वालिटेड और अन अगर आप क्वालिटी पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होगा कि पहले पेज नंबर तीन प्रिंट होगा फिर छः होगा फिर दस होगा यानी इस तरह से आपको हर पेज की जो है ना यहाँ पे अगर आपने कॉपीज दर्ज की हैं तो सेट के मुताबिक प्रिंट होंगे यानी हर पेज की में तीन कॉपीज चाहिए पेज नंबर तीन की भी तीन छः की भी तीन और दस की भी तीन तो किस तरह से प्रिंट होंगी कि पहले पेज नंबर तीन छः दस इसका एक सेट फिर तीन छः दस इसका दूसरा सेट फिर तीन छः दस इसका तीसरा सेट प्रिंट होगा ये तभी होगा जब आप क्वालिटेड पे क्लिक करेंगे अगर आप अनकॉलिट पे क्लिक करते हैं तो इसमें क्या होगा कि पहले पेज नंबर तीन की तीन कॉपीज होंगी फिर छः की तीन होंगी फिर दस की तीन होंगी और बाद में सेट आपको खुद से बनाने पड़ेंगे तो बेहतर यही है कि आप यहाँ पर क्वालिटेड पर क्लिक करें पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा पेज आपका लंबाई की शक्ल में प्रिंट होगा अगर आप लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा पेज आपका चौड़ाई में प्रिंट होगा फिर इसके बाद हम आते हैं पेपर साइज पे कि आप किस पेपर पे पेज को प्रिंट करना चाहते हैं इंटरनेशनल पेपर साइज तीन तरह के होते हैं एक लेटर है एक लीगल है और एक ए फोर होता है ज़्यादातर हम एर यूज़ करते हैं मगर अपनी जरूरत के मुताबिक जिस पेज पे आप पेज को प्रिंट करना चाहते हैं वो आपने पेज यहाँ पे सेलेक्ट करना है उसके बाद हम मार्जिन की तरफ आते हैं मार्जिन कहते हैं हाशिए को कि आपने चारों तरफ कितना स्पेस देना है स्पेस कम देना है ज़्यादा देना है वो आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है और ज़्यादातर हम स्पेस यहाँ पे यूज़ करते हैं नॉर्मल यानी टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट पे एक एक इंच का स्पेस हम देते हैं और उस जैसे हम प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पेजेस प्रिंटना शुरू हो जाएंगे ये प्रिंट की कमांड थी तमाम और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक्सपोर्ट के बारे में इसमें हम बात करेंगे पीडीएफ के बारे में कि फ़ाइल को आपने पीडीएफ में किस तरह से कन्वर्ट करना है पीडीएफ में फाइल को क्यों हम सेंड करते हैं कि बाद में ऐसा होता है कि हम किसी ऐसी जगह पर वर्ड की फाइल को भेजना चाहते हैं जहाँ पे वर्ड है ही नहीं और हम चाहते हैं कि बिना वर्ड के ये फाइल ओपन हो जाए तब हम पीडीएफ में सेंड करते हैं अगर अपनी वेबसाइट पे आप किसी भी फाइल को वर्ड में बनी फाइल को अपलोड करना चाहते हैं तब भी हम पी में ही ज़्यादातर अपलोड करते हैं अगर आप किसी को ई करना चाहते हैं तब भी हम पी में ही ई करते हैं और अगर हम चाहते हैं कि हम किसी को ये फाइल कॉपी करके देना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि वो इसमें चेंजिंग ना कर पाए तब भी हम उसे पी में कन्वर्ट करके ही देते हैं तो पी की एब्रीविएशन है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट कि इसको कहीं पर भी आसानी से ओपन किया जा सकता है तो वर्ड की फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपने फ़ाइल पे क्लिक करना है और फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसमें एक्सपोर्ट पे एंड उसके बाद क्रिएट पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पीडीएफ डी एफ एक्सपीएस पर आपने क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ से आपने वो लोकेशन सेलेक्ट करनी है जहाँ पे आप फाइल को सेव करना चाहते हैं जैसे कि डेस्कटॉप और उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकंड लेक्चर के नाम से इसको मैं सेव करना चाह रहा हूँ या पब्लिश करना चाह रहा हूँ तो मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया उसके बाद मैंने इसे पब्लिश पे क्लिक किया तो आप देखें कि जैसे ही ये डेस्क टॉप पर गई तो ये फ़ाइल ऑटोमेटिकली यहाँ पर ओपन हो गई है तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ हम फाइल को पढ़ सकते हैं मगर इसमें हम किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते अगर ये फ़ाइल आपकी ऑटो ओपन ना भी हो तब भी आपने इसको मिनिमाइज़ करें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके भी इसको डबल क्लिक करके आप ओपन कर सकते हैं इससे चाहे जितने भी पेज हों आप इसमें कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है पास यहाँ पे फाइल एंड क्लोज क्लोज के बारे में पढ़ चुके हैं कि फाइल को आपने क्लोज कैसे करना है आगे हम बात करेंगे होम टैब के बारे में और होम टैब में जो पहला ग्रुप हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लिप और इसमें देखें पहली जो कमांड हमारे पास में आ रही है वो कट की आ रही है कि हम कट का यूज़ क्यों करते हैं अगर आपने कोई भी ऐसी तहरीर लिखी है जो आपने पेन वो वन पे टाइप कर लिया किसी और जगह टाइप कर ली और बाद में पता चला कि इसको यहाँ पे राइट नहीं करना था बल्कि कहीं और करना था बजाय इसके कि आप कहीं और जाकर दोबारा से वो राइट करें आप उसी तहरीर को इस तरह से आप सेलेक्ट करें इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं इसको ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आपने कट पर क्लिक करना है अगर आप तहरीर को सेलेक्ट नहीं करेंगे तो कट की कमांड ऑन नहीं होगी कट पर क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस करते हुए हम इसे पेज नंबर टू या पेज नंबर थ्री पे लेके आते हैं आपको नीचे टास्क बार पे नजर आ रहा है कि पेज नंबर थ्री पे हम पहुंच चुके हैं और जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो तहरीक वन से ख़त्म होकर थ्री पर आ जाएगी ये होता है कट और पेस्ट कि, कि किसी भी तहरीक को किसी भी पिक्चर को किसी भी शेप को एक जगह से ख़त्म करके दूसरी जगह पर लेकर आना और अगर आप वापस जाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके अंडू करके दोबारा वापस भी जा सकते हैं पेज नंबर वन पे उसके बाद अगर आप इसको कॉपी करना चाहते हैं हम चाहते हैं ये तहरीर यहाँ भी रहे और नीचे भी आ जाए तो आप इस तहरी को यहाँ पर सिलेक्ट करें और आपने इसको कॉपी करना है कॉपी करने के बाद आप एंटर प्रेस करते हुए इसे नीचे लेके आते हैं आप कहते हैं तहरी हमें यहाँ पर भी चाहिए और जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तहरी देखें ऊपर भी रहेगी और नीचे भी आ गई है और जैसे दोबारा क्लिक करेंगे तो इस तहरी को आप बारी बारी पेस्ट कर सकते हैं जितनी बार चाहें जब तक आप दूसरी तहरीक को काटिए कॉपी नहीं करते आप इसी तहरी को बारी बारी पेस्ट कर सकते हैं और अंडू करके दोबारा हम पेज नंबर वन पे जा रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट मांड्स में आ रही है बस यहाँ पे पे स्पेशल पे स्पेशल की कमांड यहाँ पे ओपन नहीं है हमारे पास यहाँ पे क्लिक करेंगे तब पे स्पेशल हमारे पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी तो पे स्पेशल में ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि इस तहरीक को आप कॉपी करके देना चाहते हैं किसी को और आप इस तरह से कॉपी करना चाहते हैं कि सामने वाला शख़्स इसमें चेंजिंग ना कर पाए यानी एक तस्वीरी शक्ल में आप इसको भेजना चाहते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं सबसे पहले आप इसे कॉपी करें कॉपी करने के बाद आपने फाइल पे आना और एक न्यू फाइल बनाए किसी और को देने के लिए या भेजने के लिए हम न्यू पे आते हैं न्यू पे क्लिक करने के बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने पेस्ट पे आना है और यहाँ पे क्लिक करेंगे पेस्ट स्पेशल पेस्ट स्पेशल पे क्लिक जैसे हम करेंगे तो पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा हमारे पास और आप यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर पे और उसके बाद आपने ओके क्लिक करना है तो आप देखेंगे यहाँ पे एक तस्वीरी शक्ल हमारे पास बन चुकी है ये अब कोई भी आकर अगर इसमें कोई चेंजिंग करेगा या इसमें चेंजिंग डिलीट करने की कोशिश करेगा जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ जैसे मैं एक बार डिलीट करने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा पूरी तहरीर डिलीट हो जाएगी तो इस तरह से आप किसी भी तहरीर को कॉपी करके तस्री शक्ल में आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट मार्ड हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है ज़्यादातर हम ये फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं जिस तरह नाम से ज़ाहर है कि फॉर्मेटिंग हमने किस तरह से करनी है जैसे आपके पास एक हैडिंग है यहाँ पे ऑफिस मैनेजमेंट और उसके बाद हमने यहाँ पे एक और हैडिंग बना ली यहाँ पे ग्राफिक्स की और जिसमें मैंने टाइप किया कोरल अडोप या इन पेज वगैरह मैंने टाइप कर लिया अब ऑफ़िस मैनेजमेंट को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको बोल्ड किया अटैलिक कर लिया अंडरलाइन कर लिया कलर चेंज कर लिया और मैंने यहाँ पर इसका स्टाइल भी यहाँ पर चेंज कर लिया और उसके साथ मैंने यहाँ पर इसका साइज चेंज कर लिया अब मैं चाहता हूं कि यही स्टाइल जो ऑफिस मैनेजमेंट का है वो ग्राफिक्स का भी हो जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे तहरीक को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने फॉर्मेट पेंटर पे आना है और यहाँ पे इस तहरी को आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको बार बार तमाम तहरी का कलर स्टाइल साइज़ वगैरह चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक बार आप क्लिक करें और फिर दूसरी तहरीर पर अप्लाई कर दें इस तरह से अपने काम को और भी आप आसान कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे फाउंड ग्रुप के बारे में कि फ़ाउंड ग्रुप में क्या कुछ है तो उससे पहले जो कमांड इसमें आ रही है वो है फ़ाउंड की कि अगर आप तहरीक का फाउंड चेंज करना चाहते हैं तहरी का आप स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप इस कमांड का यूज़ कर सकते हैं तहरीक फाउंड चेंज करने के लिए सबसे पहले आप तहरीक को सिलेक्ट करें जिस तहरीक का फाउंड चेंज करना चाहते हैं फिर इसके बाद आप यहाँ पर क्लिक करें क्लिक करने के बाद हम यहाँ से कोई भी स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे मैंने ये वाला स्टाइल इसमें सेलेक्ट कर लिया ये ये वाला कर लिया तो कोई भी स्टाइल सेलेक्ट करने के बाद आप अगर इसका साइज़ चेंज करना चाहते हैं फाउंड का तो यहाँ पे क्लिक करके तहरी का साइज़ भी हम बड़ा कर सकते हैं उसके बाद अगर आप पॉइंट से साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेप बाय स्टेप वन वन पॉइंट आप इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह करके हम इसको कर सकते हैं यहाँ पॉइंट्स भी हम चेंज करेंगे और यहाँ से भी हम इसको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट मॉन्ट में आ रही है चेंज केस चेंज केस में क्या होता है कि स्मॉल लेटर को कैपिटल और कैपिटल को स्मॉल लेटर में हम चेंज कर सकते हैं जैसे अब हम चाहते हैं कि तमाम तहरीर बड़े हरूफ में लिखी जाए तो आप यहाँ पर चेंज केस पर आप क्लिक करते हैं और उसके बाद ये देखिए हम यहाँ पर अपर केस पर क्लिक करेंगे तो तमाम करैक्टर बड़े हरूफ में हो जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं इसमें सेंटेंस केस तमाम करैक्टर छोटे हो जाएंगे पहला करेक्टर बड़ा और बाकी सारे छोटे हो जाएंगे फिर लोअर केस में क्या होगा तमाम करैक्टर छोटे हो जाएंगे और उसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड में ही होगा कि हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा होकर बाकी सारे छोटे हो जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करते हैं फिर कैपिटलाइज़ ईच वर्ड में और उसके बाद टुगल केस में होगा कि हर वर्ड का पहला लेटर छोटा और बाकी सारे बड़े हो जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट प्वाइंट्स में आ रही है क्लियर फॉर्मेटिंग क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग अगर आप चाहते हैं कि तहरीर पे अप्लाई की गई जो भी फॉर्मेटिंग है यानी अगर आपने तहरीक को बोल्ड किया है टैलिक किया है कलर चेंज किया है स्टाइल चेंज किया है कुछ भी आपने तब्दीली की है उसको आप रिमूव करना चाहते हो आप चाहते हैं कि तहरीक जैसे पहले थी वैसी की वैसी हो जाए तो उस तहरीक को आप सेलेक्ट करें और उसके बाद क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करें तो देखिए तहरीक जैसे पहले थी वैसी की वैसी हो चुकी है और नेक्स्ट मान हम पढ़ने वाले हैं इसमें बोल्ड के बारे में कि अगर आप तहरीक को बोल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे अटैलिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे अंडरलाइन करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट करना है जिसे स्ट्रैक थ्रू हम कहते हैं कि अगर आपने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम तो इसको स्ट्रैक थ्रू भी कर सकते हैं और उसके बाद कुछ वर्ड्स आप सबस्क्रिप्ट या सुपरस्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं तो इसका यूज़ भी आप कर सकते हैं जैसे कि फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पर लिखा फर्स्ट अगर मैं स्पेस प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिकली एस ऊपर चला जाता है जूम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऑटोमेटिक ये ऊपर चला जाता है अगर फर्स्ट कीजिए ऊपर नहीं भी जा रहा तो फिर हमने क्या करना है कि हम इसको सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे ये और यहाँ से हम बॉटम पे लेके आएंगे यहाँ पे इसको हम टॉप पे लेके जा सकते हैं और उसके अलावा अगर आप यहाँ पर तहरीक स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और तहरीक स्टाइल भी हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं किसी भी किस्म का स्टाइल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे अगर आप इसे हाईलाइट करना चाहते हैं किसी वर्ड को तो उसको आप सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं किसी भी लाइन को किसी भी वर्ड को तहरीका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको आप सेलेक्ट करें सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम तहरीका कलर भी चेंज कर सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला कलर अप्लाई कर दिया तो इस तरह से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट में हम पढ़ने वाले हैं इसमें पैराग्राफ ग्रुप के बारे में कि पैराग्राफ ग्रुप में हमने पैराग्राफ की सेटिंग किस तरह से करनी है तो सबसे पहले जो कमांड इसमें आ रही है हमारे पास वो है बुलेट्स की कि अगर आप तहरी पे बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इस कमांड का यूज़ करना है आप सबसे पहले तहरीक को सिलेक्ट करें जिस तहरीर पे आप बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे पैराग्राफ के ग्रुप में आएंगे और यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करें तो यहाँ से हम देखें इसमें बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं तो किसी भी बुलेट्स पर आप क्लिक करें तो बुलेट्स आपके अप्लाई हो जाएंगे और जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो ये बुलेट्स आना शुरू हो जाएंगे जैसे कि मैंने यहाँ सेव एज लिखा फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पी और जैसे हम डबल एंटर करेंगे तो बुलेट्स आना बंद हो जाएंगे अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं तो दोबारा से आप तहरीर को सेलेक्ट करें और यहाँ पे क्लिक करें और उसके बाद बुलेट्स यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं अगर आप कुछ नए बुलेट्स अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने डिफाइन न्यू बुलेट्स पे आप क्लिक करेंगे इसमें पिक्चर भी आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से फाउंड में भी ले सकते हैं और सिंबल्स भी आप यहाँ पे ले सकते हैं हम सिंबल्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके किसी भी किस्म का बुलेट्स हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जैसे कि यही वाला हमारे पास है और से ओके okay कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं चेंज डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करते हैं सिंबल्स पे आते हैं किसी भी किस्म का आप यहाँ पे बुलेट्स ऐड कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है नंबरिंग की अगर आप नंबर्स यहाँ पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे अच्छा बुलेट्स को रिमूव करने के लिए आपने सिर्फ़ नॉन पे क्लिक करना है बुलेट्स आपके रिमूव हो जाएंगे अगर आप बुलेट्स की बजाय नंबर्स को अप्लाई करना चाहते हैं तो नंबरिंग पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके आप नंबर्स भी अप्लाई कर सकते हैं रोमन में भी कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिक में भी कर सकते हैं तो यहाँ पर जो चाहे नंबरिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और उस पर जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर नंबर आना ख़ुद ब खुद शुरू हो जाएंगे और जैसे डबल एंटर करेंगे तो नंबर आना बंद हो जाएंगे इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर क्लिक करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं और उसके बाद मल्टी लेवल लिस्ट में ये होता है कि आप यहाँ पे अगर मल्टी लेवल लिस्ट बनाना चाहते हैं यानी कहीं पे आपने नंबर्स देने हैं कहीं पे आपने अल्फाबेटिक का अपने यूज़ करना है कहीं पे आपने जूज़ का यूज़ करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए यहाँ मैं कुछ डाटा यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ ये मैंने डिलीट कर दिया अब ये एम वर्ड मेरे पास है और उसके बाद एम वर्ड भी मैंने क्या पढ़ा है यहाँ पर फाइल बटन और यहाँ पर टैब का कर इस्तेमाल हम करते हैं तो देखिए आपके पास जूज़ इसमें आ रहा है और यहाँ टाइप किया हमने फाइल बटन और फिर एंट्री प्रेस करते हैं और उसके बाद क्या पढ़ रहे है हैं हम यहाँ पे होम टैब और एंट्री प्रेस करते हैं होम टैब में क्या पढ़ा हमने आगे इसका जूजिस में आएगा जैसे कट कॉपी पेस्ट तो आपने टैब का कर इस्तेमाल करना है तो यहाँ मैंने टाइप किया कट और फिर टाइप किया कॉपी फिर टाइप किया मैंने पेस्ट पेस्ट में क्या पढ़ा था हमने पेस्ट स्पेशल फिर हम टैब का इस्तेमाल करते हैं पेस्ट स्पेशल कर लेते हैं तो इस तरह से आप यहाँ पर सब हेडिंग और मेन हेडिंग को इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं अगर आप वापस आना चाहते हैं यहाँ पर दोबारा कोई और हेडिंग आपने टाइप करनी है तो कीबोर्ड से आपने शिफ्ट और टैब का यूज़ करना है ताकि आप बैक पे वापस आ सकें और फिर आगे नेक्स्ट उसी तरह से हम इसे ऐड करवा सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट मंड्स में पढ़ने वाले हैं इंडेंट के बारे में कि आपने इंडेंट किस तरह से अप्लाई करना है मैं ज़रा इसको क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ अगर आप तहरीक को थोड़ा सा आगे करके लिखना चाहते हैं और यहाँ पे आप चाहते हैं कुछ स्पेस आपको मिल जाए कुछ भी ऐड करने के लिए तब आप यहाँ पे इंडेंट का यूज़ कर सकते हैं ये देखें जैसे हमने तहरीक को सेलेक्ट किया जितना डाटा सेलेक्ट किया है उतना ही डाटा आगे लेफ्ट की तरफ मूव हो रहा है अगर वापस आना चाहते हैं इसे राइट right की तरफ मूव हो रहा है अगर वापस आना चाहते हैं लेफ्ट की तरफ तो ये हम कर सकते हैं ये आपका लेफ्ट टू राइट हो जाएगा ये राइट टू लेफ़्ट हो जाएगा यानी ये कुछ लैंग्वेज हमारे पास ऐसी हैं जो लेफ़्ट टू राइट लिखी जाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती हैं ये उनके लिए हम कर सकते हैं और अगर आप यहाँ पे कुछ ऐसी लैंग्वेज टाइप करना चाहते हैं जो फर्स्ट की आप उर्दू लिखना चाहते हैं तो उर्दू के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ये डायरेक्शन हम चेंज करेंगे इसकी कि राइट टू लेफ्ट इंग्लिश के लिए लेफ्ट टू राइट अब अगर मैं यहाँ पे उर्दू लिखना चाह रहा हूँ जैसे मेरे पास यहाँ पे कीबोर्ड इंस्टॉल है उर्दू का उर्दू पाक साइन कीबोर्ड और उसके बाद मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया फालकन कंप्यूटर अकेडमी इस तारीख का हम फाउंड चेंज कर लेते हैं जमील नूरी नस्तालिक। ये मैं आपको आगे चल के पढ़ाऊँगा कि आपने किस तरह से उर्दू इसमें टाइप करनी है तारीख को सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं जे टाइप करते हैं और यहाँ पे ये यह फ़ॉन्ट देखिए हमने चेंज कर दिया अब उसके बाद यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्शन आपकी इस तरफ चली जाएगी ये जूम इसका कम कर लेते हैं हम अब जो भी आप टाइप करेंगे वो आपका राइट टू लेफ़्ट की तरफ लिखा जाएगा फाल्कन कंप्यूटर अकैडमी एंटरप्रेस करते हैं और यहाँ से हम लैंग्वेज की चेंज करते हैं इसकी शॉर्ट की हमारे पास आप लेफ़्ट की तरफ से आर्ट और शिफ्ट प्रेस करेंगे तो लैंग्वेज की चेंज हो जाती है अच्छा जा रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको तहरीर राइट टू लेफ़्ट की तरफ लिखी नज़र आ रही है तो इंग्लिश लिखने के लिए आपने इस कमांड का यूज़ करना है और उर्दू लिखने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है उस पर नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे शॉर्ट के बारे में कि आपने डाटा को शॉर्ट कैसे करना है ए टू जी या जी टू ए की तरफ आप किस तरह से लेके आएंगे तो इसके लिए हमने क्या करना है कुछ भी हम डाटा यहाँ पे राइट कर लेते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे मैं इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ मैंने कुछ नेम यहाँ पे टाइप किए जैसे मैंने यहाँ टाइप किया जाहिद जिशान विजय एंड अली अनिल राशिद काशिफ जावेद रजा आमिर और उसके बाद बासत एंड चांद बशीर बासत एंड चांद कर लेते हैं एंड दीपक एंड गोपाल यहाँ पर जूम हम थोड़ा सा और कम करते हैं हम चाहते हैं कि डाटा ये तरतीब से आ जाए यानी सबसे ऊपर ए वाले नाम फिर उसके बाद बी वाले नाम फिर उसके बाद सी वाले नेम चाहे वो नंबर्स हैं चाहे वो अल्फाबेटिक हैं आपके पास तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आ सकते हैं और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे टैक्स जो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है और आप जैसे ओके क्लिक करेंगे आप ये ए टू जी की तरफ आ रही है और जैसे हम शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और डिसेंडिंग पे आएंगे तो तरतीब आपकी जी टू ए की तरफ जा रही है तो इस तरह से हम यहाँ पे अल्फाबेटिकली और नुमैरिक नंबर्स को हम यहाँ पे इसमें सेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर से कर सकते हैं आगे हम बात करेंगे शो एंड हाइट के बारे में कि कुछ हिडन फॉर्मेटिंग होती है जो आपको नज़र नहीं आती जिस तरह आपने एंटरप्रेस किया या आपने स्पेस का यूज़ किया या आपने यहाँ पे टैब का यूज़ किया तो ये जो फॉर्मेटिंग है हिडन फॉर्मेटिंग आपको नज़र नहीं आती समाइम ऐसा होता है कि हमारे पास कोई ऐसा परफॉर्मर आ जाता है कोई ऐसी फाइल आ जाती है जिसमें पहले से फॉर्मेटिंग की हुई है तो उसके लिए हमने किस चीज़ का कर यूज़ करना है यहाँ पे शो एंड हाइड का कि हमें पता चले कि कौन सी कमांड कितनी बार किस जगह यूज़ की गई है जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैंने यहाँ पे नेम लिखा मैंने यहाँ पे टैब का इस्तेमाल किया एक दो तीन बार मैंने कर लिया तो मैंने क्लास टाइप किया फिर मैंने टैब का इस्तेमाल किया रोल नंबर लिखा मैंने टैब का इस्तेमाल किया सब्जेक्ट लिखा टैब का इस्तेमाल कर लिया मार्क्स टोटल एंड ओपटेन मैंने लिख लिया अब उसके बाद यहाँ मैंने डबल एंटर कर लिया फिर उसके बाद मैंने यहाँ लिखा अली और मैंने यहाँ पर स्पेस का यूज़ कर लिया अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने किस जगह पर कितनी बार टैब का यूज़ किया कितनी बार एंटर का यूज़ किया या किस जगह मैंने स्पेस का यूज़ किया अब यहाँ पे तो नज़र आ नहीं रहा जैसे हम शो एन हाइट पे क्लिक करेंगे तो जहाँ पे एरो नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है इतनी इतनी बार यहाँ पे टैब का यूज़ हुआ है और जहाँ पे आपको ये सिंबल नज़र आ रहा है शो एन हाइट का यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे एंट्री यूज़ किया गया है जहाँ पर आपको डॉट नज़र आ रहे हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर स्पेस यूज़ किया गया अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको ऑफ भी कर सकते हैं अगर ये ऑन भी रहे तब भी ये प्रिंट नहीं होते ये हिडन फॉर्मेटिंग है ये सिर्फ आपकी हेल्प करती है कि आपने कौन सी जगह पे कौन सी कमांड को यूज़ किया है आगे से हम बात करेंगे पैराग्राफ के अलाइनमेंट के बारे में कि अगर आपने कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है तो उसको लेफ्ट राइट सेंटर या जस्टिफाई हम किस तरह से करते हैं पैराग्राफ राइट करने के लिए मैं यहाँ पर आपको एक एक फार्मूला बता देता हूँ मैंने टाइप किया इज इक्वल टू यहाँ पर लिखना है रैंड ब्रैकेट शुरू एंड ब्रैकेट क्लोज कर देनी है आपने ये फॉर्मूला लिखना है जैसे हम प्रेस करेंगे तो आपको एक एक डिमी पैराग्राफ आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस प्रैक्टिस करने के लिए जो हर कंप्यूटर में पहले से मौजूद होता है वर्ड के अंदर अब अगर उसके बाद आप तहरीक यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको हम सेंटर में लेके आ सकते हैं यहाँ इसको राइट कर सकते हैं यहाँ पर इसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं और यहाँ पर इसको हम यहाँ पर देखें मीडियम जस्टिफाई है हमारे पास उसके बाद ये हाई जस्टिफाई है हमारे पास तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप की कमांड्स हमारे पास पड़ी हुई हैं जो आप यहाँ पे लेफ्ट सेंटर राइट या जस्टिफाई कर सकते हैं याद रखिएगा हेडिंग जब भी हम देते हैं चैप्टर का नेम वो हम सेंटर में देते हैं अगर आप कोई इंग्लिश का पैराग्राफ लिख रहे हैं तो आप लेफ्ट की तरफ से शुरू करेंगे और उसके बाद अगर आप उर्दू लिख रहे हैं तो राइट right की तरफ शुरू करेंगे अगर आपने कोई पैराग्राफ इंग्लिश या उर्दू का लिखा हुआ है तो आपने उसको जस्टिफाई करना है दोनों तरफ से लाइन्स को इक्वल करने के लिए और उसके बाद अगर आप लाइनों के दरमियान यहाँ पे स्पेस देना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप लाइनों में स्पेस भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से हम कम भी कर सकते हैं ओके okay. और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है शेडिंग कि अगर आप यहाँ पर कोई शेड अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करने के बाद मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया फर्स्ट कीजिए कि ऑफिस मैनेजमेंट और यहाँ पर हम इस तैयारी को सिलेक्ट करते हैं और उसको यहाँ पर सेंटर में लेके आते हैं और उस पर शेड अप्लाई करने के लिए हमने इस कमांड का यूज़ करना है जैसे मैंने ये वाला कलर इसमें अप्लाई कर दिया और यहाँ मैंने इसको फाउंड साइज दे दिया इस तरह से हम यहाँ पे इसमें शेड अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इसे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं जैसे कि आपने कोई वर्ड यहाँ पे टाइप कर लिए जैसे कि हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट इन पेज या टाइपिंग तो इस डाटा को आप सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे आल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो हर लाइन के ऊपर एक बॉर्डर आ जाएगा आउट लाइन पर क्लिक करेंगे तो आउट साइड पर बॉर्डर आ जाएगा उसके बाद ये आपका लेफ्ट की तरफ बॉर्डर आएगा ये आपका टॉप की तरफ आएगा ये आपका बॉटम की तरफ आएगा ये आपका मिड में आएगा इस तरह से जो स्टाइल चाहें आप बॉर्डर का वो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं स्टाइल्स के बारे में इसमें हम बात करेंगे हेडिंग के बारे में और उसके बाद हेडिंग हेडिंग को किस तरह से हम स्टेप बाई स्टेप अप्लाई कर सकते हैं और हेडिंग को हम नॉर्मल किस तरह से करते हैं और हेडिंग के क्या क्या बेनिफिट्स हैं तो इसके लिए हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं आपने फाइल पे आना है और उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे न्यू पे और ब्लैंक डॉक्यूमेंट सबसे पहले आप कोई हेडिंग बना लें जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग बनाई ऑफिस मैनेजमेंट और इसमें टाइप कर लेते हैं वर्ड एक्सेल एंड पावर पॉइंट कुछ भी आप ट्राइट कर लो हेडिंग में जैसे एक हेडिंग हमारे पास ये बन गई और आप एंटर प्रेस करते हुए आप पेज नंबर आप टू पे चले जाओ उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरे पेज पे, पे आना है और यहाँ पे हम दूसरी हेडिंग बनाते हैं जैसे मैंने यहाँ पे एक और कोर्स टाइप कर लिया ग्राफिक्स जिसमें हम टाइप करते हैं कोरल डॉप इन पेज और फिर हम एंटर प्रेस करते हुए पेज नंबर थ्री पे चले जाते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं अकाउंटिंग जिसमें हम बात करेंगे पेस्ट्री टैले क्विकबुक एंड एडवांस एक्सेल अब तीन हेडिंग्स हमारे पास बन चुकी हैं और हम इन सब पे हेडिंग्स अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए आपने सबसे पहले मेन हेडिंग को सेलेक्ट करें और हेडिंग वन अप्लाई कर देनी है उसके बाद हम स्क्रॉलिंग करते हुए पेज नंबर टू पे जाएंगे यहाँ पे आप ग्राफिक्स पे क्लिक करें और यहाँ पे भी हेडिंग वन अप्लाई करें फिर हम स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे आएंगे और उसके बाद हम हाँ इसको सेलेक्ट करेंगे और आपने यहाँ पे हेडिंग वन अप्लाई कर देंगे तो आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे तीन हेडिंग्स यहाँ पे अप्लाई हो चुकी हैं अगर आपके पास यहाँ पे पचास हैडिंग भी आप बनाए तब भी आपने यहाँ पे हेडिंग वन ही अपने अप्लाई करना है और उसके बाद सब अगर आप नहीं बनाना चाहते हैं इसके अंदर जैसे आप पेज पेस्ट्री भी एक हेडिंग है तो उसके लिए आप हेडिंग टू इस्तेमाल करेंगे अगर इसके अलावा हेडिंग थ्री भी है आपके हेडिंग वन और टू के बाद तो आप यहाँ पर हेडिंग थ्री का भी यूज़ कर सकते हैं अब इसका बेनिफिट हमें क्या होगा कि अगर आपके पास फ़र्ज़ कीजिए कि 50 पेजेस की एक बुक है 50 पेज़ के आपने नोट्स बनाए हैं उसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं उन सब पे इस तरह से आपने हेडिंग्स अप्लाई कर दी अब किसी भी चैप्टर को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आपने फाइन पर आना है फ़ाइंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास एक कमांड है हेडिंग की आप देख लें नेक्स्ट लेफ्ट की तरफ हमारे पास नेविगेशन का एक पैनल ओपन हुआ है इसमें जैसे हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो तीनों हेडिंग्स आपको नज़र आ रही हैं अगर आप ऑफिस पे क्लिक करोगे तो ऑफिस मैनेजमेंट शो हो जाएगा ग्राफ्स पे क्लिक करोगे तो ग्राफिक्स शो हो जाएगा अगर आप यहाँ पे अकाउंटिंग पे क्लिक करेंगे तो अकाउंटिंग शो हो जाएगा और इसके बाद जो भी हेडिंग आप ऐड करेंगे वो हेडिंग भी यहाँ पे शो होती जाएगी इसका ये बेनिफिट होगा और दूसरा इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर फर्स्ट कीजिए कि आप किसी भी हेडिंग को अगर आप चेंज करते हो तो वो तमाम हेडिंग ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाएंगी और तमाम हेडिंग्स को किस तरह से चेंज करना है ये हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में चल के पढ़ेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे इसमें फ़ाइंड के बारे में कि आपने फाइंड कैसे करना है किसी भी वर्ड को जैसा कि हम यहाँ पे कुछ राइट कर लेते हैं इस डाटा को मैं डिलीट कर लेता हूँ की से कंट्रोल ए प्रेस करके इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पर हम टाइप करते हैं जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया माई नेम एज़े अभी टाइप करने के बाद अब यहाँ पे मैंने अपना मुकम्मल नेम यहाँ पर लिखना था सिर्फ विजय नहीं बल्कि केवल विजय मैंने लिखना था और गलती से मैंने सिर्फ विजय यहाँ पे लिख दिया तो ये बहुत आसान है कि अगर आप इसको यहाँ से डिलीट करेंगे और उसके बाद यहाँ से हम टाइप कर लेते हैं केवल विजय तो इस तरह से एक जगह पर तो आप ऐसा कर सकते हैं अगर फ़र्ज कीजिए कि मैंने यहाँ पर टाइप किया हुआ है माई नेम इज़ अली एफ फोर प्रेस करते हैं और इसको रिपीट कर लेते हैं अब ये देखें कि ना जाने कितनी जगहों पे यहाँ पे अली का नाम लिखा गया हम चाहते हैं कि यहाँ पे अली की बजाय यहाँ पे हम आमिर लिखना चाहते थे गलती से मैंने यहाँ पे अली का नेम टाइप किया और यहाँ पे हम चाहते हैं आमिर अहमद या कोई भी नेम हम यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं तो जितनी जगहों पर हम चाहते हैं कि अली लिखा है वहाँ पर अहमद या आमिर लिखा जाए तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर फ़ाइन पर आपने क्लिक करना है फ़ाइंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम टाइप करते हैं अली और जैसे हम अली टाइप करेंगे तो जहाँ जहाँ पर भी आपके पास यहाँ पे अली लिखा होगा वहाँ पे वो हाईलाइट हो जाएगा और उसको रिप्लेस करने के लिए फिर आपने रिप्लेस पे क्लिक करना है और यहाँ रिप्लेस विद के बॉक्स में आपने उस शख्स का नेम लिखना है जो आप यहाँ पे लिखना चाहते थे जैसे हम कहते हैं कि आमिर अली हम लिखना चाहते थे तो मैंने यहाँ पर आमिर और साथ में अली लिख दिया और यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं रिप्लेस आल पे और रिप्लेस आल पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर बता रहा है कि यहाँ पर एक जगहों पर रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं और जैसे हम क्लोज़ करेंगे तो आप देख रहे हैं कि जहां जहां पे अली था वहाँ पर आमिर अली लिखा गया तो इस तरह से आप यहां पे किसी भी वर्ड को फ़ाइंड कर सकते हैं चाहे वो आपके पास जितने ही पेजेस क्यों ना हो तमाम पेज पे वर्ड आपका हाईलाइट हो जाएगा और उसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें गोटू के बारे में कि हमारे पास यहाँ पे अगर ज़्यादा पेजेस हैं कोई पचास साठ पेजेस हैं और किसी पेज पर पे हम जाना चाहते हैं तो उसके लिए हम गोटू कमांड का यूज़ कर सकते हैं तो उसके लिए कीबोर्ड से हम कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे या फिर आप खाली एंटर प्रेस करते हुए कुछ पेजेस बना लें जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पेजेस बना लिए एंटर प्रेस करते हुए तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे टोटल पेज हमारे पास सिक्स बन चुके हैं और कुछ और पेज भी हम बना लेते हैं या कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर पे पेज ब्रेक का यूज़ करते हुए कुछ ज़्यादा पेज हम बना लेते हैं जैसे एटीन पेज हमारे पास यहाँ पर बन चुके हैं अब हम पेज नंबर फाइव पर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने फाइंड पर आना है और यहाँ पर क्लिक करेंगे गो टू पे और गो टू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन होगा आपने गो टू के टैब पे क्लिक करना है पेज पे आएंगे और यहाँ पे पेज नंबर फ़ाइव आप दर्ज करेंगे और आप गो टू पे क्लिक करेंगे तो पेज नंबर आप फ़ाइव पे चले जाएंगे टोटल पेज आपके पास एटी है और भी आप पेज नंबर फ़ाइव पे हैं अगर आप एटी पे जाना चाहते हैं या सिक्सटीन पे जाना चाहते हैं तो सिक्सटीन टाइप करें एंड गो टू पे क्लिक करें तो आप देख रहे हैं आप पेज नंबर सिक्सटीन पे पहुँच चुके हैं इस तरह से आप पेज नंबर एटीन से वन और वन से एटीन तक जा सकते हैं नाइनटीन तक या इससे अबव अब आप नहीं जा सकते क्योंकि टोटल पेजेस आपके पास एटीन है और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं सिलेक्ट ऑल कि अगर आप ओपन फाइल में तमाम डाटा को आप एक साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला है रेंट ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज एंटर करते हैं पैराग्राफ टाइप कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे ये तमाम तहरीर सेलेक्ट हो जाए सेलेक्ट क्यों करते हैं ताकि हम उसको कट कर सकें कॉपी कर सकें डिलीट कर सकें और बोल्ड टैलिक अंडरलाइन लेफ्ट राइट सेंटर या किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए भी इसको सेलेक्ट करते हैं हम तो इसके लिए हम सेलेक्ट पे आते हैं सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं सेलेक्ट ऑल तो देखिए आपके पास ओपन फाइल में जितना भी डाटा होगा वो सारा सेलेक्ट हो जाएगा आप इस पर जिस किस्म की आप फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्मेटिंग अप्लाई करें या इसे डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करें या कट या कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं और नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इन्जर टैब के बारे में इन्जर टैब में पेज ग्रुप की कमांड में हम पढ़ेंगे इसमें कवर पेज कि आपने कवर पेज किस तरह से डिज़ाइन करना है कवर पेज पे हम क्लिक करते हैं जैसे हम कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बने बने कुछ डिज़ाइन ओपन हो जाएंगे आप कुछ डिज़ाइन नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है मोर कवर पेजेस फ्राम ऑफिस डॉट कॉम और जो डिज़ाइन हमारे पास पड़े हुए हैं इनमें किसी भी डिज़ाइन पर हम क्लिक करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो आपके पास वही डिज़ाइन यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा इसे हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद जैसे हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे ऑटोमेटिक डेट आ जाएगी और ईयर्स हमारे पास में आ जाएगा डॉक्यूमेंट टाइटल पे हम क्लिक करेंगे यहाँ पे जैसे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट टाइटल है वो है ऑफिस मैनेजमेंट और उसके बाद क्लिक करते हुए यहाँ पर हम टाइप कर सकते हैं इसमें ऑथर नेम और जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया कंपनी नेम हम यहाँ पर टाइप करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी और यहाँ पे डेट देखिए आपके पास ऑटोमेटिकली पहले से सेलेक्टेड है अगर आपको ये डिज़ाइन अच्छा नहीं लगा और आप इसको चेंज करना चाहते तो डाटा आपका यही रहेगा आप यहाँ कवर पेज पे क्लिक करके इसको यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से हम यहाँ पर क्लिक करके जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वही डिज़ाइन आप यहाँ पर क्लिक करके इसमें ऐड कर सकते और उस पर नेक्स्ट मार्च्स में आ रही है ब्लैंक पेज कि आपको एक ख़ाली पेज चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद है कि हमारे पास यहाँ पे एक पेज है और हम इसको खाली छोड़ देना चाहते हैं या एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक पेज खाली मिल जाएगा जूम आउट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें किस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि पहले पेज के ऊपर यहाँ पर हमने कवर पेज बनाया सेकेंड पेज हमने ब्लैंक इंसर्ट कर लिया और अभी हम थर्ड पेज पर हैं जूम इन करते हैं हम इसे और उसके बाद नेक्स्ट मार्च में आ रही है पेज ब्रेक कि हम पेज ब्रेक यानी कि आपने कोई डाटा यहाँ पे राइट किया हुआ है जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा रैंड ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं अब हम चाहते हैं कि यहीं से हम नेक्स्ट पेज पे जाना चाहते हैं एकदम तो एंटर प्रेस करते हुए जाते हैं स्टेप बाय स्टेप अगर हम एकदम से सेकेंड पेज पर पे जाना चाहते हैं थर्ड या फोर्थ पेज पर जाना चाहते हैं तो आपने पेज ब्रेक पर क्लिक करना है तो आप नेक्स्ट पेज पर चले जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं इसमें टेबल के बारे में कि आपने पेज के ऊपर टेबल किस तरह से इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक न्यू फाइल इंसर्ट करते हैं फाइल पे आते हैं और न्यू पे क्लिक करेंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं आपको एक न्यू फाइल मिल जाएगी एक टेबल इंसर्ट करने के लिए आपने टेबल पे आना है और उसके बाद ये हमारे पास एक पैटर्न पड़ा हुआ है यहाँ पे हम जैसे ही किसी एक सेल को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि एक लाइन या एक रो एक ही कॉलम हमारे पास इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे दो कॉलम और एक रो हमारे पास है इस तरह से हमारे पास यहाँ पे दस कॉलम्स और एक रो बन चुकी है और जैसे हम क्लिक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे माउस के जरिए तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास दस बाय आठ का एक टेबल क्रिएट हो चुका है और अगर आप इसके अंदर डाटा लिखना चाहते हैं तो आपने जैसे यहाँ पे नेम टाइप किया टैब का इस्तेमाल करेंगे एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जाने के लिए और अगर आप वापस आना चाहते हैं तो आपने शिफ्ट टैब का यूज़ करना है इसको डिलीट करने के लिए कीबोर्ड से हम कंट्रोल ए प्रेस करते हैं और इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं फिर हम इन्जर्ट पे आते हैं टेबल पे आते हैं अगर आपने यहाँ पर कुछ कम कॉलम या कम रोज़ लेने तो वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं यानी जितने कॉलम जितनी रोज़ आपको चाहिए वो यहाँ से आप सेलेक्ट करके इन्जर्ट कर सकते हैं अगर आपने कुछ कॉलम की तादाद या रोज़ की तादाद आपने बढ़ानी है तो उसके लिए हम इन्जर्टल टेबल पर आते हैं तो आपने यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम के बॉक्स में कॉलम तादाद दर्ज करनी कि इतने कॉलम्स में चाहिए और उसके बाद हमें यहाँ पे इतनी रोज चाहिए जैसे हमें यहाँ फिफ्टीन रोज़ चाहिए और जैसे मौके पर क्लिक करेंगे तो टेबल आपको यहाँ पे मिल जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमारे पास यहाँ पे ड्रा टेबल कि अगर अपनी मर्ज़ी से आप टेबल को ड्रा करना चाहते हैं बनाना चाहते हैं तो आपने ड्रा टेबल पे क्लिक करना है ड्रा टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हुए आपने टेबल को ड्रा करना है और इस तरह से आपने टेबल डिज़ाइन करना है अपनी मर्ज़ी से यानी जितने बड़े कॉलम या जितनी बड़ी रोज़ आप चाहें तो यहाँ पर इन्जर्ट कर सकते हैं और एक ही सेल के अंदर मजीद सेल भी इन्जर्ट कर सकते हैं उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे टेबल और उसके बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल कि आप अपनी तहरीर को टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तहरीर को तो देखिए अभी हमारे पास यहाँ पे कमांड अभी ऑफ है तो हम यहाँ पे इस तरह से डाटा यहाँ पे कुछ लिखेंगे मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से और जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ नेम और मैंने टैब का इस्तेमाल किया एक बार क्लास फिर मैंने टैब का यूज़ किया रोल नंबर फिर मैंने टैब का यूज़ किया एक बार सब्जेक्ट टैब का यूज़ करें मार्क्स टैब का यूज़ करें टोटल ये टैब आपके की बोर्ड के बटन पर है क्यू के पास पड़ा हुआ ये और अब देखिए हम चाहते हैं कि ये जो तहरीर हमने लिखी है ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए तो आप इस तहरीर को सिलेक्ट करें आपने टेबल पे आना है टेबल पे क्लिक करने के बाद कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे आप क्लिक करें और उसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक टेबल मिल चुका है आपने जितनी बार टैब का यूज़ किया था उतने ही कॉलम्स आपको मिल चुके हैं आप उसके बाद हम यहाँ पर क्लिक करते हैं आपने टैब का इस्तेमाल करते हुए मज़ीद रोज़ का इजाफा भी आप कर सकते हैं जैसे हम तो टैब का इस्तेमाल करेंगे तो आप रोज़ का इजाफा कर सकते हैं हम इंसर्ट पे आते हैं टेबल पे आते हैं टेबल पे आने के बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है एक्सेल स्प्रेडशीट शीट क्या आप चाहते हैं कि वर्ड को आप एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं यानी आप वर्ड में रहते हुए एक्सेल का काम करना चाहते हैं या एक्सेल की शीट को आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने टेबल पे आना है एक्सेल स्प्रेड शीट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्सेल की शीट मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आप देखें जैसे हम यहाँ पे क्लिक करके कुछ भी राइट करते हैं तो ये सारी कमांड आपके पास यहाँ पे एक्सेल्स की हैं और आपको ऊपर कमांड भी सारी एक्सेल की नज़र आ रही है टैब भी सारे एक्सेल के नजर आ रहे हैं और जैसे हम बाहर क्लिक करेंगे तो आप वर्ड में चले आएंगे जैसे डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे तो आप एक्सेल को दोबारा एक्टिव कर लेंगे इस तरह से अगर आप उसको डिलीट भी करना चाहते हैं तो खाली जब आप क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको कीबोर्ड से डिलीट भी कर सकते हैं और बाहर क्लिक करते हैं और एंटर प्रेस कर लेते हैं या इस टेबल को हम डिलीट कर लेते हैं कंट्रोल ए और डिलीट करते हैं इसे इंसर्ट पे आना है टेबल पे आना है और आपने क्विक टेबल पे आकर यहाँ पे टेबल को सिलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए आपके पास टेबल यहाँ पे बना बनाया इंसर्ट हो चुका है जैसे हम कैलेंडर क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हमने माइक को ख़त्म करके यहाँ पे हमने जो भी हमारा मंथ है वो यहाँ पे हम टाइप करेंगे जैसे मैंने यहाँ लिखा मार्च और उसके बाद यहाँ पे आपने डेट टाइप करनी है अगर आप इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर ये यह कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद कंट्रोल प्रेस करना है इसको उठाकर ऐसे नीचे की तरफ हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो इस तरह से आप इसकी कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें टेबल डिज़ाइन के बारे में और टेबल लेआउट के बारे में कि आपने एक टेबल पे जो आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है या टेबल का स्टाइल आपने चेंज करना है या टेबल की कलर स्कीम आपने चेंज करनी है तो आपने इसके लिए डिज़ाइन पे आना है तो इसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके पास एक टेबल होना चाहिए आप जब तक टेबल के अंदर क्लिक नहीं करेंगे तब तक डिज़ाइन का टैब और लेआउट का टैब ओपन नहीं होगा जैसे आप देखिए मैं बाहर क्लिक करता हूँ और आप देखें कि यहाँ पे वो दोनों कमांड्स गायब हो चुकी हैं अब कोई आपके पास यहाँ पे डिज़ाइन या लेआउट आपको नज़र नहीं आ रहा तो इसके लिए मैं क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर लें जैसे हम यहाँ पे टेबल पे आते हैं और मैंने एक टेबल यहाँ पे इंसर्ट कर लिया अब जैसे हमने टेबल इंसर्ट किया तो आपको डिज़ाइन और लेआउट का टैब नज़र आ रहा है ज़रूरी है कि आप इसके अंदर क्लिक करेंगे अगर आप इसके अंदर क्लिक नहीं करेंगे तो ये वाले टैब ओपन नहीं होंगे हम डिज़ाइन पे आते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करके इसमें कोई भी कलर स्कीम इसमें इस अप्लाई कर लेते हैं जैसे कि मैंने ये वाले कलर्स में अप्लाई कर लिए कलर्स अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो पहली कमांड इसमें आ रही है वो आ रही है हेडर रोज कि अगर आप यहाँ पे ये वाली ऊपर वाली अगर है यहाँ पे आप हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं और यहाँ से इसको शो भी कर सकते हैं इसी तरह से अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं जैसे मैंने आप यहाँ पे ये वाला कलर में अप्लाई कर दिया इसको हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे और हेडर पे क्लिक किया तो आप देखिए यहाँ पे हेडर का कलर गायब हो चुका है जैसे हम दोबारा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कलर अप्लाई हो जाएगा इस तरह ये टोटल का है हमारे पास और ये बैंडेड रोज़ हमारे पास में आ रहे हैं कि एक रो के बाद दूसरी रो में कलर अप्लाई जो था वो रिमूव हो चुका है जैसे हम क्लिक करेंगे दोबारा ये शो भी हो जाएगा इस तरह से फर्स्ट कॉलम में कलर अप्लाई करना है अगर आपने कोई ऐसी फॉर्मेटिंग की है जैसे हमने ये वाले फर्स्ट कॉलम में कलर मैंने अप्लाई किया हुआ है अगर हम इसको यहाँ से क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा जैसे क्लिक करेंगे ये अप्लाई भी हो जाएगा इस तरह से लास्ट कॉलम में कलर अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं इससे ये बैंडेड कॉलम यानी एक कॉलम के बाद दूसरे कॉलम में कलर अप्लाई हो जाएगा और यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा और आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी कलर स्कीम अप्लाई कर सकते हैं और उस पर नेक्स्ट पॉइंट में आ रही है शेडिंग कि अगर आप यहाँ पर कोई शेड चेंज करना चाहते हैं तो आपने उन तमाम सेल को सेलेक्ट करना है उन रोज़ को सेलेक्ट करना है जिन पे आप कलर स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अपनी मर्जी आप कोई भी कलर ले सकते हैं उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये बॉर्डर लाइंस हैं और ये लाइन स्टाइल हमारे पास है ये लाइन का साइज़ और ये लाइन का कलर है अब हम टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे लाइन स्टाइल ये वाला ले लिया मैंने यहाँ पे लाइन को साइज दे दिया मैंने यहाँ पे लाइन को कलर दे दिया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके हम आउटसाइड पर क्लिक करते हैं तो आप देखें कि आउटसाइड का बॉर्डर चेंज हो गया अगर हम इन साइड का बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो हम टेबल को दोबारा सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे लाइन स्टाइल को हम सेलेक्ट करेंगे लाइन को हमने यहाँ पे साइज़ देना है लाइन को यहाँ पे हम कलर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे इनसाइड बॉर्डर और जैसे इनसाइड बॉर्डर पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास देखें लाइन्स हमारी मर्ज़ी की यहाँ पर आ चुकी हैं इस तरह तो से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और उसके बाद ये हमारे पास आ रहा है पेंटर कि बॉर्डर पेंटर में आप यहाँ पे क्लिक करके बॉर्डर को आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं फॉर्मेट भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं जो आपने लाइन सेलेक्ट की होगी वही लाइन यहां पे अप्लाई हो रही है जैसे कि आप देखें यहां पे हम क्लिक करते हैं मैंने ये वाला स्टाइल सेलेक्ट किया तो देखिए वही स्टाइल यहां पर भी अप्लाई हो रहा है इस तरह से भी आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं लाइन वगैरह की और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें लेआउट के बारे में और इसमें जो पहली कमांड इसमें आ रही है वो सिलेक्ट आ रही है कि आपने सेल कॉलम रोज एंड टेबल को किस तरह से सेलेक्ट करना है तो आपने सबसे पहले यहां पे टेबल के ऊपर आप क्लिक करें और लेआउट पे क्लिक करते हैं अब जिस सेल को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उस सेल के अंदर आपने क्लिक करना है और सेलेक्ट पे आएंगे सेलेक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो आपका सेल सेलेक्ट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेलेक्ट कॉलम तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेलेक्ट टेबल या सेलेक्ट रो तो आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेलेक्ट टेबल तो आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा इसी तरह से अगर आप यहाँ पे एक सेल एक सेल को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करें वो सेल आपका सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करने से पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी और इसके ऊपर अगर आप कसर को लेके आते हैं आपको यहाँ पे डाउन एरो नजर आ रहा है तो आपका पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे क्लिक करके आप पूरे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं टेबल कॉलम या रोज़ को हम इसलिए सेलेक्ट करते हैं ताकि इसके अंदर लिखी हुई तहरीक को हम कट कर सकें कॉपी कर सकें बोल्ड टैलिक किसी भी किस्म की फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते तो इसके लिए हम यहाँ पे रोज़ कॉलम या टेबल को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट मॉइन हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे व्यू ग्रिड लाइंस तो यहाँ पे हम एक टेबल पहले इंसर्ट कर लेते हैं कि आपने इंसर्ट पे आना है उसके बाद आपने टेबल पे आना है यहाँ पे टेबल हम इंसर्ट करते हैं अब ये हमारे पास जो नज़र आ रही है ये होती है बॉर्डर लाइन्स जो आपकी प्रिंट होती हैं और जैसे हम बॉर्डर को रिमूव करते हैं तो इसके नीचे होती हैं ग्रिड लाइन्स जो प्रिंट नहीं होती वो सिर्फ़ आपके पास यहाँ पर शो होती हैं यानी सॉफ्ट कॉपी में आपको नज़र आएंगी हार्ड कॉपी में नज़र नहीं आएंगी कंप्यूटर पर आप इसे देख सकते हैं और इसे प्रिंट आप नहीं कर सकते आपने टेबल को सेलेक्ट किया सेलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पे डिज़ाइन पे आते हैं और डिज़ाइन पे आने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक कर लिया इसमें नो बॉर्डर अब जैसे मैंने नो बॉर्डर किया तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको ये डॉटेड वाली लाइनें जो नज़र आ रही है ये ग्रिड लाइन्स कहलाती हैं अगर ग्रिड लाइन्स आपकी यहाँ से ऑफ़ हो जाए जैसे कि आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे आपके पास कितने कॉलम्स और कितनी रोज थी तो ग्रिड लाइन को शो करवाने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना होता है फिर इसके बाद हम प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं प्रॉपर्टीज़ में टेबल को अगर आप लेफ्ट राइट right या सेंटर लेके जाना चाहते हैं जैसे मैंने इस टेबल को यहाँ पे छोटा कर लिया और यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ पे आपने आना है और यहाँ पे आप सेंटर पे क्लिक करेंगे और ओके okay, क्लिक करेंगे तो टेबल सेंटर में आ जाएगा अगर हम यहाँ पे लेफ़्ट करेंगे तो टेबल लेफ्ट की तरफ आ जाएगा राइट right करेंगे तो ये राइट की तरफ चला जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रही है ड्रा टेबल कि अपनी मर्जी का अगर आप टेबल ड्रा करना चाहते हैं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अपनी मर्जी का टेबल भी आप ड्रा कर सकते हैं जो लाइनें आपने वहाँ पीछे सेलेक्ट की हैं वही आपकी लाइनें यहाँ पर भी आ रही हैं अगर लाइनों का स्टाइल आप चेंज करना चाहते हैं तो डिज़ाइन पे आप आएँ यहाँ पे क्लिक करें लाइन स्टाइल आप सेलेक्ट करें लाइन को अपनी साइज देना है लाइन को अपने यहाँ पे कलर देना है और कलर देने के बाद आप यहाँ पर अपनी मर्जी से भी लाइन्स को अप्लाई कर सकते हैं इस तरह से अपनी मर्जी से आप टेबल बना सकते हैं रेजर टूल में क्या होता है कि आप यहाँ पे क्लिक करके लाइनों को रेज कर सकते हैं कि आप जिन लाइनेस को आप रेज करना चाहते हो लाइनों को क्लिक करते जाएंगे ऐसे तो वो लाइनें यहाँ से रिमूव होती जाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट पार्ट्स में आ रही है डिलीट कि अब यहाँ पे हम किसी भी सेल को किसी भी कॉलम को या रोज को या टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो हम इस कमांड का यूज़ करते हैं तो इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे स्कीप का यूज़ करता हूँ ताकि नॉर्मल मोड में हम आ सकें उस कमांड को डिसेबल करने के लिए कंट्रोल ए और हम इसको डिलीट करते हैं और इन्जर्ट पे आकर हमने यहाँ पे एक टेबल इन्जर्ट कर लेना है प्रैक्टिस करने के लिए लेआउट पे आते हैं और आपने डिलीट पे आना है जिस सेल को आप डिलीट करना चाहते हैं उस सेल के अंदर आप क्लिक करें जैसे मैं इस सेल को डिलीट करने वाला हूँ तो आपने डिलीट पे आना है डिलीट सेल पे आना है और जैसे मौके क्लिक करेंगे तो वो सेल आपका देखिए डिलीट हो चुका है अगर आपने यहाँ कुछ राइट किया है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा नेम क्लास रोल नंबर एंड सब्जेक्ट्स और उसके बाद मैंने टाइप किया यहाँ पे मार्क्स तो इस रो को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं आपने डिलीट पे आना है और उसके बाद रो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए पूरी रो आपकी डिलीट हो रही है और उसके बाद अगर आप यहाँ पे किसी एक कॉलम को आप डिलीट करना चाहते हैं जैसे कि जो डाटा हमने यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें आप किसी भी सेल में क्लिक करें तो ये पूरा कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा कॉलम पे क्लिक करने से अगर आप टेबल को डिलीट करना चाहते हैं तो आपने डिलीट पे आना है उसके बाद आपने डिलीट टेबल पर क्लिक करना है और ये आपका टेबल भी डिलीट हो जाएगा इस तरह से आप यहाँ पर कॉलम या रोज वगैरह को डिलीट कर सकते हैं कंट्रोल जेड करके हम दोबारा टेबल को वापस ले आए हैं आप लेआउट पर आएँ और नेक्स्ट मॉर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं इन्जर्ट अबव और नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि हमने यहाँ पे एक रो कैसे इन्जर्ट करनी है कॉलम कैसे इन्जर्ट करते हैं सबसे so, so, पहले आप वहाँ पे क्लिक करें जहाँ पे आप रोज या कॉलम इन्जर्ट करना चाहते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे नेम लिखा और मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर मुझे एक रो चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद इन्जर्ट अभव पे क्लिक करेंगे तो आपको एक रो मिल जाएगी और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपको इसके नीचे आपको एक और रो चाहिए इसके नीचे जैसे फागुन कंप्यूटर अकेडमी के नीचे में एक रो चाहिए तो इंसर्ट बिलो करेंगे तो इसके नीचे आपको रो मिल जाएगी यानी आपने उस सेल के अंदर क्लिक करना है जिस सेल के टॉप पे या बॉटम पे आपको रो चाहिए अगर आपको कॉलम चाहिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद इंसर्ट लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट की साइड पे कॉलम मिल जाएगा और अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट राइट करेंगे तो राइट की साइड पे कॉलम मिल जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है मर्ज सेल्स कि अगर आप सेल्स को मर्ज करना चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं कि तमाम सेल एक ही सेल में कन्वर्ट हो जाएं, ताकि फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी या हमारी हेडिंग या हमारा टाइटल एक ही लाइन के अंदर आ जाए तो आपने यहाँ पे मर्ज सेल्स पे क्लिक करना है तो देखें ये सेल सारे मर्ज हो गए हमारे पास इस तरह से हम हैडिंग वगैरह बना सकते हैं फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रही है स्प्लिट सेल्स कि हम एक ही सेल के अंदर मज़ीद सेल्स को इन्जर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्लिक करने के बाद आपने सेपरेट सेल्स पे क्लिक करना है और जैसे हम डेट के लिए हमें तीन सेल्स चाहिए डेट मंथ और ईयर्स तो आपने यहाँ पे तीन कॉलम इसमें इंसर्ट कर लिए और उसके बाद ओके क्लिक करें तो आप देखिए यहाँ पे आपको तीन सेल्स मिल चुके हैं इस तरह से आप एन टी एन नंबर के लिए या उसके बाद आई डी कार्ड के लिए कॉन्टैक्ट नंबर के लिए इस तरह से आप सेल इंसर्ट कर सकते हैं फिर हम बात करेंगे सिपरेट टेबल के बारे में आप चाहते हैं कि आपकी हेडिंग टेबल से अलग हो जाए तो हम चाहते हैं कि यहाँ से टेबल अलग हो जाए और ऊपर वाली हैडिंग अलग हो जाए अब यहाँ से अलग हम नहीं कर सकते क्योंकि इसके ऊपर हमारे पास कोई रो नहीं है या टेबल है ही नहीं तो यहाँ पे क्लिक करेंगे सिप्लेट टेबल पे आए तो देखिए आपके पास टेबल हेडिंग अलग और नीचे वाला टेबल अलग हो जाएगा इसको दोबारा जोड़ने के लिए खाली खालिजा पे क्लिक करें की से डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो दोबारा से ये जुड़ भी जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है ऑटोफिट ऑटो फिट में तीन कमांड्स हमारे पास हैं ऑटो फिट टू कंटेंट्स ऑटो फिट टू विंडो एंड फिक्स कॉलम विथ तो इसके लिए मुझे एक टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा इस कमांड को पढ़ाने के लिए तो टेबल के लिए हम दोबारा यहाँ पे इंसर्ट पे आएंगे टेबल पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट टेबल पे हम क्लिक करते हैं जिस तरह मैंने यहाँ पे सेवन बाय सिक्स का मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे टाइप किया संडे मंडे ट्यूसडे एंडस्टे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे और यहाँ पे आप इस टेबल को आप सेलेक्ट करें यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद हम लेआउट पे आते हैं और ऑटो फिट पे क्लिक करेंगे ऑटो फिट टू तो कंटेंट्स करेंगे तो क्या होगा तहरीक के मुताबिक ये एडजस्ट हो जाएंगे जिस तरह मैंने मंडे यहाँ पे कंप्लीट लिखा और हम इस टेबल को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद आपने ऑटो फिट पे आना है फिट टू तो कंटेंट्स पे क्लिक करें तो आप देखेंगे अगर तहरीक का कॉलम में तहरीक का साइज़ बढ़ा है तो कॉलम का साइज़ भी बढ़ गया है अगर तहरी का साइज़ कम हुआ है तो कॉलम का साइज़ भी कम हो गया है इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करते हैं और फिर ऑटो फिट पे क्लिक करके ऑटो फिट टू तो विंडो करेंगे तो विंडो के मुताबिक यानी जैसे पेज सेटअप है उसी के मुताबिक टेबल आपका एडजस्ट हो जाएगा अब ये देखें कि अगर हम यहाँ पे कुछ भी राइट करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और उसके बाद हम यहाँ पे ये यह टाइप करें तो आपके कॉलम की चौड़ाई ऑटोमेटिकली बढ़ रही है तो हम कहते हैं कि कॉलम की चौड़ाई फिक्सड हो जाए कॉलम लेफ़्ट टू राइट की तरफ ना बढ़े बल्कि टॉप टू बॉटम की तरफ बढ़े तो इसकी चौड़ाई को फिक्स करने के लिए आपने टेबल को सेलेक्ट करना है ऑटो फिट पे आते हैं एंड फिक्सड कॉलम विर्थ पे क्लिक करते हैं अब आप जो भी राइट करेंगे जो भी जैसे कि मैंने यहाँ पे फाल्कन कंप्यूटर एक टाइप कर लिया और उसके बाद टाइप करते हैं डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट एफ सी आर वाई के डॉट कॉम तो देखिए हमारे पास जो भी हम डाटा टाइप करें ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है लेफ्ट राइट नहीं जा रहा उसके बाद हम आगे नेक्स्ट मॉर्न पढ़ने वाले हैं मैं ऐसे कंट्रोल जी कर लेता हूँ कि टेबल को हम सेलेक्ट करते हैं अगर आप इसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं अगर आप कम करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके कम भी कर सकते हैं वृथ्थ को कम कर सकते हैं यहाँ पर और वृथ को यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं ये आपने यहाँ से करना है और बाद ऐसा होता है कि जब टेबल अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पर क्रिएट करते हैं जैसे कि हमने डिज़ाइन पर क्लिक किया या यहाँ पर हम ड्रा टेबल पर क्लिक करते हैं अपनी मर्जी से अगर हम टेबल यहाँ पे जब भी हम डिज़ाइन करते हैं और इसमें कुछ कॉलम बड़े तो कुछ छोटे हो रह जाते हैं हमारे पास तो आप देख रहे हैं इसमें कुछ कॉलम बड़े हैं तो कुछ छोटे हैं तमाम कॉलम्स को हम एक जैसा तमाम रोज़ को एक जैसा हम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे और आपने डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करना है एंड डिस्ट्रीब्यूट कॉलम पे क्लिक करना है तो आप देख लेंगे तमाम सेल्स एक जैसे हो चुके हैं तमाम कॉलम एंड रोज का साइज़ एक जैसा हो चुका है उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें अलाइनमेंट कि टेबल के अंदर जो डाटा आपका लिखा हुआ है उस पर आप अलाइनमेंट अप्लाई करना चाहते हैं अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे संडे और उसके बाद में यहाँ पे एंटर प्रेस कर लेता हूँ और अब ये देखें कि अगर इस तहरीक को हम यहाँ पे सेंटर करते हैं तो ये टॉप का सेंटर है और यहाँ पे क्लिक करके सेल के मिड का सेंटर भी कर सकते हैं और सेल के बॉटम का सेंटर भी कर सकते हैं इस तरह आप से आपसे लेफ़्ट राइट सेंटर और ये अलाइनमेंट अप्लाई कर सकते हैं यानी कि आप टॉप की अलाइनमेंट मिड की लाइनमेंट और बॉटम के अलाइनमेंट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम इसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं तहरीर की इस तरह से और उसके बाद हम बात करेंगे सेल मार्जिन के बारे में तो सेल मार्जिन के लिए हमें एक और टेबल इंसर्ट करना पड़ेगा या मैं इसको अंडू कर लेता हूँ यहाँ पे अंडू हम कर लेते हैं और अंडू करने के बाद हम इस टेबल को मुकम्मल सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे टॉप से या बॉटम से स्पेस हम देना चाहते हैं सेल के अंदर तो आपने सेल मार्जिन पे क्लिक करना है यहाँ पे हम टॉप पे क्लिक करते हैं टॉप को मैंने मार्जिन दे दिया यहाँ पे पॉइंट फाइव एंड बॉटम को भी मैंने यहाँ मार्जिन दे दिया पॉइंट फाइव और जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो आप देखें टेबल के अंदर यहाँ पे टॉप एंड बॉटम पे आपको वाइट एरिया नज़र आ रहा है ये सारा मार्जिन है यानी आपने कुछ हिस्सा ऊपर से छोड़ दिया और कुछ हिस्सा नीचे से छोड़ दिया तो इसे हम अंडू करते हैं यहाँ पे एक और कमांड में पढ़ाने जा रहा हूँ कि हम चारों तरफ से एक जैसा मार्जिन देना चाहते हैं तो उसके लिए हम सेल मार्जिन पे क्लिक करेंगे और उस बाद आप क्लिक करेंगे अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल्स और यहाँ पे हम दे देते हैं पॉइंट फाइव और ओके क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे सेल के चारों तरफ से आपको मार्जिन नजर आ रहा है तो इस तरह से भी हम टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं आगे हम बात करेंगे शॉर्ट के बारे में शॉट के अंदर टेबल के अंदर लिखी हुई तैयारी को हमने शॉर्ट कैसे करना है तो सबसे पहले हम यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करके टेबल को डिलीट करते हैं और यहाँ पे एक टेबल हम इंसर्ट करते हैं जैसे मैंने ये वाला टेबल इंसर्ट कर लिया और यहाँ पे कुछ भी हम टाइप करते हैं जैसे मैंने यहाँ पे जी टाइप किया मैंने वाई टाइप किया जैसे मैंने यू टाइप कर लिया मैंने बी टाइप किया बी टाइप कर लिया एस टाइप किया और मैंने ए टाइप कर लिया और मैंने यहाँ पर ई टाइप कर लिया अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर डाटा ए टू जी की तरफ आ जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे लेआउट पर आते हैं शॉर्ट पर क्लिक करते हैं और आपने शॉर्ट यहाँ पर टेक्स्ट है नंबर है या डेट है तो आपने फॉर्मेटिंग यहाँ पर सेलेक्ट करनी है Ascending पे आपने आना है और ओके क्लिक करेंगे तरफ आपकी ए टू जी की तरफ आ जाएगी आप सॉर्ट पे क्लिक करें डिसेंडिंग पे आए एंड ओके क्लिक करें तरतीब आपकी जी टू ए की तरफ आ जाएगी इस तरह से हम नंबर और अल्फ़ाबेटिक दोनों को हम कर सकते हैं फिर उसके बाद नेक्स्ट मंड हम पढ़ने वाले हैं रिपीट हेडर रोज़ कि अगर आपके पास टेबल के अंदर कोई ऐसा डाटा लिखा हुआ है जो एक से ज़्यादा पेजेस पर पे मुशतमिल है यानी आप कोई सात आठ सौ लोगों का डाटा यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हैं और आप चाहते हैं कि हेडिंग सबकी एक जैसी हो जैसे आप चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर नेम फादर नेम कॉन्टेक्ट नंबर और अमाउंट आना चाहिए और अगर साठ सत्तर पेजस पर डाटा आपका लिखा हुआ है तो उस पर राइट करते हुए आपको अच्छा खासा टाइम लग जाना है तो हम चाहते हैं एक ही क्लिक से इसको हम कर लें तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले हम यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करेंगे प्रैक्टिस करने के लिए कि आप इंसर्ट टेबल पे आएँ आप यहाँ पे पांच कॉलम्स और उसके बाद यहाँ पे पंद्रह सौ रोज़ आप इंसर्ट कर लें और ओके क्लिक करें आपको यहाँ पे एक टेबल मिल जाएगा जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा कि कितनी पे है कि कितने पेज पे मुश्तमल है हमारे पास थर्टी थ्री पे और हम चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर नेम फादर्स नेम कन्टेक्ट नंबर एंड सिटी और अमाउंट अब ये पहले पेज पे तो हमने हेडिंग टाइप कर ली मगर दूसरे पेज पे तीसरे पेज चौथे पे किसी पेज पर वो हेडिंग नहीं आ रही या तो हमें टाइप करनी पड़ेगी या मेरे कॉपी और पेस्ट करनी पड़ेगी मगर इससे भी एक आसान तरीका है रिपीट करने का कि आपने इस हेडिंग को यहाँ पे सेलेक्ट करना है इस तरह से और सेलेक्ट करने के बाद आपने लेआउट पे आना है लेआउट पे क्लिक करने के बाद आपने रिपीट हेडर रोज पे क्लिक करना है जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखें ऊपर से या तो आपके पास ये ऑरेंज होगा या फिर ग्रे कलर का हो जाता है इसका मतलब ये होता है कि ये कमांड आपकी एक्टिव ये कमांड काम कर रही है अब पूरे टैब में दो ही कमांड ऑन है एक व्यू ग्रिड लाइन और दूसरी रिपीट हैडर्स तो यहाँ पे जैसे हम स्क्रॉलिंग करते हुए नीचे आएंगे तो आप देख लेंगे दूसरे पेज पर हेडिंग आ गई तीसरे पर भी आ गई और इस तरह से हम जितने भी पेजेस पे नीचे चले जाएंगे तो आपको हर पेज पर ये हेडिंग नज़र आ जाएगी तो अभी देखिए कमांड हमारे पास यहाँ पे एक्टिव है जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए तमाम पेज से ख़त्म हो चुकी है और ये सिर्फ ऊपर वाले पेज पे यानी फर्स्ट पेज पर ही रहेगी तो इस तरह से हम हेडिंग को रिपीट भी कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसमें आ रही है कन्वर्ट टू टेक्स्ट पहले हमने पढ़ा था इसमें कि हम टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर रहे थे अब टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है कि आपने टेबल के अंदर कोई डाटा अगर लिखा हुआ है फर्स्ट कीजिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ कंट्रोल ए एंड डिलीट और इंसर्ट टेबल और यहाँ मैंने कुछ टेबल बना लिया यहाँ मैं नंबरिंग टाइप कर लेता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20 अब मैं चाहता हूं कि यहां पे ये टेबल ख़त्म हो जाए और तहरीर ख़त्म ना हो तो आपने लेआउट पे आना है लेआउट पे आने के बाद आपने कन्वर्ट टू तो टेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने टैब्स पे क्लिक करना है एंड ओके क्लिक करेंगे तो आपके पास टेबल ख़त्म हो जाएगा और तहरीर बाकी रह जाएगी और इसको हम सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद दोबारा से टेबल में लाने के लिए टेबल पे आए और कन्वर्ट टेक्स टू टेबल पे क्लिक करें और ओके क्लिक करेंगे दोबारा टेबल भी आ जाएगा और उसके बाद ये नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें फॉर्मलाज़ कि आपने इसके अंदर फॉमलाज़ का यूज़ कैसे करना है अभी हम सम का फॉमूलाज सिर्फ पढ़ने वाले हैं कि अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है फाइव हंड्रेड सिक्स हंड्रेड या एट हंड्रेड इन सबको आप सम करना चाहते हैं तो देखिए इसका जवाब कितना आना चाहिए आठ छः चौदह चौदह और पाँच उन्नीस उन्नीस से जवाब आना चाहिए फॉर्मलाज एंड ओके okay. तो 1900 देखिए देखें आपके पास यहाँ पे टोटल इसमें आ रहा है तो इस तरह से आप यहाँ पे सम भी अप्लाई कर सकते हैं तो इस तरह से ये हमारा पहला लेक्चर कंप्लीट हो चुका है और आने वाले कुछ ही लेक्चर्स के अंदर यानी दो से तीन लेक्चर्स के अंदर इस वर्ड को हम यहाँ पर मुकम्मल सीख लेंगे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली से लाइक करें शेयर करें और अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस पार्ट टू पार्ट थ्री आप तक बसानी पहुंच सके थैंक्स फॉर वाचिंग